पानी है ना पूरा ब्लू है, मतलब ग्रीनिश ब्लू है। बड़ा ही प्यारा लगता है यहाँ से व्यू। ये देखिए, आराम से यहाँ से वॉक करो, एंजॉय करो, बैठो, कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। बहुत ही खूबसूरत है। Hey guys, very good morning। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे और अभी मैं नहा कर रेडी हो गया और थोड़ी देर में मुझे निकलना है क्योंकि आज मेरा दो दो अपॉइंटमेंट है। एजेंडिया इंतराते का भी है 10:20 पर और बैंक का है 12 बजे, तो 9:55 वाली बस जो यहाँ से निकलेगी वो मुझे लेना होगा, लेकर निकलेंगे और एजेंडिया इंतराते थोड़ा पहले पहुँच जाएंगे क्योंकि लास्ट टाइम मैं पहुँचा था लेट और मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था कैंसिल। तो चलिए फटाफट स्मूदी वगैरह बनाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। एवोकाडो, और इसको मैं आधा यूज़ करने वाला क्योंकि बहुत बड़े बड़े आए एवोकाडो हैं सारे जो मैं लाया था ना लास्ट टाइम, तो ये मैं छोटा वाला यूज़ करने वाला हूँ और ये बड़ा वाला रख दूँगा फ्रिज में, बाद में यूज़ हो जाएगा। 2 स्ट्रॉबेरी, 2 स्मूदी रेडी और इसे पीते हैं। फ्रेंड्स, बस आकर लगी हुई है, चलिए चलते हैं फटाफट बोर्ड कर लेते हैं। कभी कभी ये बड़ा सही रहता है कि बस पहले से लगी है, हो आकर बैठ जाओ, वेट नहीं करना होता है। बट अगर मैं थोड़ा सा और लेट होता तो बस मिस हो जाती। ये टाइमिंग परफेक्ट है बिल्कुल। चलते हैं और बोर्ड करते हैं बस को। फ्रेंड्स, अभी मैं अयोध्या अंतराते से वापस हो रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ काम हो नहीं पाया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि जिस लोकेशन में मैं रहता हूँ होटल में, वहाँ मेरा कोई प्राइवेट अपना पर्सनल जो लेटर बॉक्स होता है वो बॉक्स है नहीं, और यहाँ पर जितने भी प्राइवेट या पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो पर्सनल लेटर बॉक्स होने पर ही डिलीवर होते हैं। तो अगर वो प्रोसेस कर भी रहे हैं तो वहाँ से वापस हो जा रहा है क्योंकि मेरे नाम कुछ है नहीं। तो उन्होंने एक ऑप्शन बताया है कि आप जाकर वहाँ के जो केयर टेकर उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर वो लेटर बॉक्स आपको अपॉइंट कर देंगे तब तो आपका डिलीवर हो जाएगा। अदरवाइज़ कुछ अदर ऑप्शंस हैं कि हमें डॉक्टर लाइक असाइन होने का कुछ होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर असिस्टेंट असाइन होते हैं, तो एक वो प्रोसीजर है, फिर वहाँ से ब्लू कार्ड बनता है। तो आई डोंट नो क्या प्रोसीजर है। तो उन्होंने एक रेफरेंस नंबर एड्रेस दिया है, उन्होंने बोला वहाँ जाकर आप पता करिए तो फिर वो चीज़ें प्रोसेस हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ बैंक के लिए। आज मोस्ट प्रोबेबली महादेव की कृपा से अगर मेरा खुल जाता है अकाउंट तो भी मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले पहुँचते हैं बैंक। फ्रेंड्स, अभी मेरे बैंक के अपॉइंटमेंट टाइम है क्योंकि 12 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट है और अभी बज रहा है 11:20, तो 40 मिनट्स का टाइम मेरे पास है। तो अभी मैं आ गया हूँ सी साइड में क्योंकि यहाँ से बैंक एकदम नियर बाई है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं, इंजॉय करते हैं इधर, उसके बाद चलेंगे। एक्चुअली ये लोकेशन मेरे को बड़ा पसंद आता है क्योंकि यहाँ का जो पानी है ना पूरा ब्लू है, मतलब ग्रीनिश ब्लू है। बड़ा ही प्यारा लगता है यहाँ से व्यू। ये देखिए, आराम से यहाँ से वॉक करो, एंजॉय करो, बैठो, कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। बहुत ही खूबसूरत है। और वो सामने दिख रहा है ना, वहाँ पर पोर्ट है, लाइक वहाँ पे जितनी बड़ी बड़ी शिप्स होती है ना वहाँ आती है पब्लिक वाली एक। उसके फिर और आगे जाते हैं तो जो कार्गो वाली शिप होते हैं ना, कार्गो वाले शिप आते काफ़ी बड़े बड़े। खूबसूरत है लोकेशन ये देखिए, शाम के समय और खूबसूरत है। लाइटिंग्स वगैरह लगती है, दिखती है प्रॉपर, अच्छा लगता है। बट शाम के समय मैं कभी आ ही नहीं पाया, कई बार से ट्राई कर रहा हूँ आने की, बट डोंट नो कब आ पाऊँगा मैं। फ्रेंड्स, अभी एक चीज़ मैंने नोटिस करी, ये जो पाथ देख रहे हैं आप साइड में रेड वाला, ये साइकिलिंग के लिए है और ये पूरा रोड ये रबराइज्ड है, ये रबर है पूरा, रेड जो दिख रहा है ना पूरा रबर है।
मतलब इस पर अगर कोई गिर जाता है तो चोट नहीं लगने वाली है, मतलब हल्का फुल्का लगेगा बट बहुत सही है। और इधर मस्ती करो, इंजॉय करो। और ये सब चीज़ें दिख रहे हैं ना बच्चों के लिए घूमने फिरने के लिए, ऊपर चढ़ो, लटको, खेलो, कूदो। और इसके नीचे भी ये जो पिच दिख रहे हैं पूरा, ये पूरा पूरा रबराइज चाहिए, ये पूरा पूरा जितना दिख रहा है ये पूरा रबर है, ये कोई कंक्रीट वगैरह नहीं है, ताकि बच्चे गिरे उरे चोट ना आए। और ये पूरा ग्लोब बना हुआ है, पूरा रस्सी यूज़ की हुई है पूरा। ऐसा कुछ व्यू है खूबसूरत सा। फ्रेंड्स अभी मैं बैंक पहुंच गया और मेरे सामने ही रहा, और चलिए चलते हैं अपना कैमरा बैग अंदर रख देते हैं, क्योंकि एंट्री करते ही सबसे स्टार्टिंग में ही लॉकर मिल जाता है और जहां पे हमें सब कुछ रख देना होगा। सो फ्रेंड्स ये रहा मेरा कैमरा और इधर मेरा बैग है गया, लॉक कर देते हैं। ये हो गया एक और ये दो हो गया, सो दोनों कीज में मिल गई और यहाँ खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। फ्रेंड्स फाइनली मेरा अकाउंट खुल गया और मेरा एटीएम कार्ड भी मिल गया, सो अब मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अब जाकर मैं प्रॉपरली ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ और टेंशन फ्री हो सकता हूँ। तो चलिए चलते हैं अब कॉलेज, और कॉलेज में थोड़ा काम है वो भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट बस भी आ गई, बस नंबर 2, बस से लेंगे और जाएंगे आगे हम। फ्रेंड्स मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूं और लंच का टाइम हो गया है, चलिए सबसे पहले लंच करते हैं, उसके बाद मुझे कुछ रजिस्टर करना है अपना जो भी बैंक डिटेल्स है, ताकि मेरे स्कॉलरशिप आ जाए, तो यहीं बैठ कर फटाफट बुक कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज का मेरा लंच ये रहा, ये प्रॉपर वेगन की बाउल है और ये पास्ता है वेगन, और एक ये ब्रेड और ये कटलरीज है और एक ये बॉटल और एक ये फ्रूट, कोई भी फ्रूट चूज़ कर सकते हैं, तो मैंने आज की भी चूज़ करा है। चलिए फटाफट इसे फिनिश करते हैं। फ्रेंड्स अभी हमारा लंच हो गया और चले चलते हैं अपना बैंक डिटेल्स अपडेट कर देते हैं, ताकि जल्दी जल्दी मेरी स्कॉलरशिप आ जाए। 2000 years later मैं कॉलेज से आ गया हूँ बट मेरे सिर में बहुत तेज़ से दर्द हो रहा है, सो अभी बिल्कुल भी कुछ करने का हिम्मत नहीं है। सो अभी मैं जा रहा हूँ सोने, और इस ब्लॉग को यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।